Thank you.
चलिए लिखिए इसको। हेलो लिखिए। डी आर एन डी डाइन भोजन करना। टी एच यू एल डी आर थंडर बादल का गरजना। एल आई जी एस टी एन आई एन जी लाइटनिंग बिजली का चमकना। वो जो आकाश में बिजली चमकती है बारिश के समय। डब्ल्यू ए आई टी वेट प्रतीक्षा करना इंतजार करना। ए एल ओ एन ई अलोन अकेला। जी आर डबल ई डी वाई गिली लोभी। एफ ई ए एस टी फिश भोज। डी ए आई एन टी वाई एन टी डी आई एस एस टी यानी स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन। एक्सपेक्ट आशा करना। टी डबल ओ एम टू यानी सजा। इसका बहुत सारा मतलब होता है। नाश विनाश सर्वनाश या सजा। पी ए आर सी एच पार्च मतलब झुलसाना। और एस एच आर आई वी एल श्रीवेल कुमलाना। इसके बाद जो वर्ड्स बच गए हैं उसको मैं चैप्टर में पढ़ाते समय बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। उसको लिख लिया। चलिए अब आप लोग भी लिख ही लिए होंगे। अब मैं इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करता हूं। द सन मून एंड विंड सूर्य चांद एवं हवा। ये जो विंड है डब्ल्यू आई एन डी ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। फिर यहाँ नाउन है इसका मतलब हवा। वन डे द सन द मून वन डे द सन
moon and wind went out to dine with their uncle and aunt Thunder and Lightning. एक दिन सूर्य चांद तथा हवा अपने चाचा चाची जो ये मतलब बादल की गर्जना थी है ना या फिर बिजली जो चमकती है बारिश के समय उन्होंने वो चाचा चाची के साथ खाने के लिए गए. Their mother waited alone for her children's return. और उन सबों की माँ जो आकाश में काफी दूर बहुत सारे तारों के बीच एक तारा थी है ना वो अपने बच्चों की वापसी का अकेला प्रतीक्षा की. Both the sun and wind were greedy and selfish. सूर्य तथा हवा ये दोनों लालची एवं स्वार्थी थे. They enjoyed the great feast that had been prepared for them without a thought of saving any of it to take home to their mother. But the gentleman did not forget us. वे दोनों सूर्य और हवा जो भोजन उन सबों के लिए बना था गोश्त उसका वो खूब मजा लिए छक के खाए और अपनी माँ के लिए घर ले जाने की बात वो बिल्कुल भी नहीं सोचे. But the gentleman did not forget her. किंतु वो नेक चांद उसे नहीं भूली उसे मतलब अपनी माँ को नहीं भूली और मैंने नहीं भूलती थी. Of every dainty dish that was brought round, she placed a small portion in one of her beautiful long reins that Mother Star might also have a share a treat. यानी जहां कहीं भी वो जाती और जो स्वादिष्ट व्यंजन होते थे तो वह अपने खूबसूरत लंबी किरणों में उस भोजन का स्वादिष्ट भोजन का कुछ भाग रख देती थी ताकि उसकी माँ जो स्टार थी वह भी कुछ उस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले. On their return, their mother, who had kept watch for them all night long with her knife, and with her little bright eye, said, "Well, children, what have you brought home for me?" उनकी वापसी पर उन सबों की माँ जो रात भर उनकी राह देखती थी प्रतीक्षा करती थी वो कही ठीक है बच्चों What have you brought home for me? यानी तुम सबों ने मेरे लिए क्या लाया है. The son who was the eldest said, I have brought nothing home for you. सूर्य जो सबसे बड़ा था वो कहता था कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं लाया. I went out to enjoy myself with my sister, not to fetch dinner for my mother. मैं अपनी बहन के साथ enjoy करने गया था भोज खाने गया था न कि अपनी माँ के लिए भोजन लाने गया था. ये सूर्य का तर्क था. Wind said, हवा कहता Neither have I brought anything home for you, mother. यानी माँ मैं
आपके लिए कुछ लाने नहीं मैं नहीं लाया है. यू कुड हार्डली एक्सपेक्ट मी टू ब्रिंग अ कलेक्शन ऑफ गुड थिंग्स फॉर यू व्हेन आई ओनली वेंट आउट फॉर माय ओन प्लेजर. यानी आप शायद ही मुझसे आशा करें कि मैं आपके लिए मैंने अच्छी चीजें लाऊं, है ना, जब मैं ने अपने खुद के मजा के लिए जाता हूँ, मतलब भोज खाने जाता हूँ, आनंद मनाने जाता हूँ, तो फिर आप अपने लिए आशा कम ही करें, शायद ही आशा करें कि मैं आपके लिए भी कुछ लाऊं. बट मून सेड मदर फेच अ प्लेट सी व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. किंतु चांद कहती माँ प्लेट निकालो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूं. एंड शेकिंग हर रेज शी स्वर्व डाउन सच अ वंडरफुल डिनर एज नेवर वाज सीन बिफोर. और अपने किरणों को हिलाते हुए वह एक अद्भुत आश्चर्यजनक भोजन को वहां मतलब गिरा देती, मतलब झरझर करके गिरने लगता जैसा कि पहले कभी नहीं देखा गया वैसा भोजन. देन गॉड हु वाज वाचिंग टर्न्ड टू सन एंड सेड बिकॉज यू वेंट आउट टू एम्यूज योरसेल्फ विद योर सिस्टर्स एंड फीस्टेड एंड एंजॉयड योरसेल्फ विदाउट एनी थॉट ऑफ योर मदर एट होम यू शैल बी कर्स्ड. तब देवता ईश्वर हु वाज वाचिंग जो देख रहे थे वे सूरज की ओर मुड़े और कहे क्योंकि तुम जब भी अपनी बहनों के साथ भोजन खाने जाते हो, है ना, तो फिर खुद ही मजा लेते हो और तुम्हें घर पर अपने माँ की याद नहीं रहती, अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सोचते हो. यू शैल बी कर्स्ड तो फिर तुम शापित किए जाओगे, मतलब तुम्हें शाप मिलेगा. तुम्हें क्या मिलेगा? शाप मिलेगा, यानी तुम शापित हो. अब देखिए यहाँ पे यू के साथ सेल का प्रयोग हुआ है जबकि यू के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी है, बिल्कुल दृढ़ता है, निश्चितता है, इसलिए यहाँ पे यू के साथ सेल आया है. फ्रॉम नाउ ऑन योर रेज सेल ऑलवेज बी हॉट एंड स्कॉर्चिंग एंड सेल बर्न ऑल दैट दे थ्रू. फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से तुम्हारी किरणें बहुत ज्यादा मतलब हमेशा बहुत गर्म होगी और मतलब काफी गर्म होगी उसने, है ना, और जो भी मतलब इससे होकर जाएगा मतलब धूप में निकलेगा वह उसको वो जला देगा, मानो उसे जला देगा. एंड मेन सेल हेट यू एंड कवर देयर हेड्स व्हेन यू अपीयर. और मानव तुमसे नफरत करेंगे और अपने सिर को मतलब ढक लेंगे. एंड दैट इज व्हाई द सन इज सो हॉट टू दिस डे. और यही वजह है कि उसी दिन से सूर्य बहुत गर्म है. आई बात समझ में? देन ही टर्न्ड टू विंड एंड सेड यू You also forget your mother in your selfish pleasures. Here your doom. तब वे यानी ईश्वर turn to wind हवा की तरफ मुड़े, हवा की ओर मुड़े and said और कहे तुम भी अपने खुद के सुख में अपनी माँ को भूल गए. Hear your doom. अपनी सजा सुनो. यू शैल ऑलवेज ब्लो इन द हॉट ड्राई वेदर. तुम हमेशा गर्म शुष्क मौसम में बहोगे. एंड शैल पार्च एंड श्रीवेल ऑल लिविंग थिंग्स.
और सभी सजीवों को है ना क्या करोगे, मैंने झुलसा दोगे, उसको कुंभला दोगे. एंड मेन सेल डिटेस्ट एंड अवॉइड यू फ्रॉम दिस वेरी टाइम. और लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तुम्हें अवॉइड करेंगे, मैंने तुम्हें मतलब नापसंद करेंगे हैं. और ये आज से ही ऐसा होगा, फ्रॉम दिस वेरी टाइम, ये आज अभी इसी समय से ऐसा हो. एंड दैट इज व्हाई द विंड इन द हॉट वेदर इज स्टिल सो डिसलाइक. और यही वजह है कि गर्मी के मौसम में हवा को अभी जो है सो अभी तक पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें काफी गर्मी महसूस. बट टू मून ही सेड बिकॉज यू लव मदर एंड केप्ट फॉर हर अ शेयर इन योर ओन एंजॉयमेंट फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स यू शैल बी फॉरएवर कूल काम एंड ब्राइट. किंतु वे चांद की तरफ मुड़े और उससे कहे, क्योंकि तुम अपनी माँ से प्यार करती हो और उनका ख्याल रखती हो, जब भी कहीं खाने जाती हो तो उनके लिए कुछ भोजन लाती हो, है ना, इसलिए आज से आगे तुम हमेशा क्या रहोगी, ठंडी रहोगी, शांत रहोगी, बिल्कुल शीतल शांत रहोगी और मैंने चमकीला रहोगी. नथिंग जूरियस सेल ए कंपनी योर प्योर वेज एंड मेन सेल ऑलवेज कॉल यू ब्लेस्ड. और तुमसे किसी को कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारी किरणें बिल्कुल शुद्ध होंगी, अच्छी होंगी और लोग तुम्हें आशीष देंगे, मैंने तुम्हें अच्छी अच्छी बातें कहेंगे. And that is why the moon's light is so soft, cool and beautiful even to this day. और यही वजह है कि चांद की रोशनी आज भी उतना ही सॉफ्ट है, यानी बढ़िया है, शीतल है, कोमल है, मतलब ये शांत है और खूबसूरत है. और चांद की रोशनी को वैसे भी लोग पसंद करते हैं. थैंक यू. अब ये जो लिखा हुआ, ये जो लिया गया है कहानी, adopted from an Indian fairy tale, भारत की परी कथा से ली गई एक कहानी है, ठीक है. तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब इसको आप एक दो मिनट देखिए, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू. एक दो मिनट.
Yes. देखिए इसको मैं लिख दिया हूं एक का कनेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का ए होगा सेल्फिश, तो आप सेल्फिश के आगे जो दिया हुआ है स्पेस उसमें टिक कर लेंगे, सेकंड का बी फॉल गए उसमें आप टिक कर लेंगे, थर्ड का ए होम उसमें आप टिक कर लेंगे, फोर्थ का बी फोन उसको टिक कर लेंगे और फिफ्थ का बी ट्राई तो बी को बी के सामने टिक कर सही का निशान लगा देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं पेज नंबर 78। यहाँ पे दो जगह सी लिखा हुआ है, भूल से लिखा गया है, आप इसमें ऊपर वाला जो सी है उसको बी कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स जो लिखा हुआ है उसको बी कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब इसको लिखते हैं, और ये क्लू बॉक्स इसका नीचे आ गया है, क्लू बॉक्स क्या हुआ है इसका नीचे आ गया है, देखते हैं इसको, अब इसे निकालता हूं, कितना मिनट बच गया, हो जाएगा अभी,
चलिए इस तरह का बी आपका कंप्लीट हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स, बस आज इतना ही रहने दीजिए और कल कल से मतलब है अब जो इसका आएगा रूटीन उसके अनुसार फिर सी से शुरू होगा। 14 चैप्टर है ना।